हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुण्यतिथि मनाते हैं या उनकी जयंती मनाते हैं। कभी बाबा साहब की, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कभी दीनदयाल उपाध्याय की, कभी महात्मा गांधी की, कभी चंद्रशेखर की, कभी भगत सिंह की, कभी सुखदेव की, कभी राजगुरु की, किसी न किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि हम लोग प्रतिदिन मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या हम उनके सपनों को साकार कर पाए? क्या हमारे जो महापुरुष थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, कोई फांसी पे चढ़ गया, किसी ने लाठियां खाई, कोई जेल में रहा, वीर सावरकर ने काला पानी झेला, क्या वो यही भारत बनाना चाहते थे जो आज भारत है, जहां जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, मजहबी उन्माद है? क्या वही भारत बनाना चाहते थे? उनका सपना ऐसे भारत का था जहां घूसखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, सोना तस्करी हो, चंदन तस्करी हो, चांदी तस्करी हो, ये ऐसा चाहते थे? जहां जिहाद हो, जहां सर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही हो, जहां सर तन से जुदा किया जा रहा हो? आखिर 75 साल पहले विभाजन हुआ था तो क्यों हुआ था? और हमारे जो महापुरुष थे, चाहे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जी, वो चाहते क्या थे? हम क्या उनके सपनों का भारत बना पाए? मेरा व्यक्तिगत मानना है नहीं। पिछले 75 साल से पॉलिटिकल पार्टियां केवल सत्ता स्थापित करने, विपक्ष को खत्म करने, विपक्ष को हराने, सत्ता पाने, मुझे लगता है इसी में लगी रही। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जनता भी यही करती रही। जनता भी केवल पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी के हिसाब से डिवाइड हो गई। उसने ये नहीं चिंता किया कि वास्तव में हमारे महापुरुष क्या चाहते थे और हम कहां हैं, और किसी भी समस्या का परमानेंट सलूशन नहीं ढूंढा। आप बताइए, पीएफआई को बैन कर देने से क्या भारत में मजहबी उन्माद रुक जाएगा? क्या पीएफआई को खत्म कर देने से या पीएफआई से जुड़े 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को जेल में डाल देने से ये जो मजहबी उन्माद है, जो जिहाद है, वो खत्म हो जाएगा? अभी पाकिस्तान का एक जिहादी पकड़ा गया है जो नुपुर शर्मा का गला काटने आया था। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि वहां पे उसको मौलवियों ने बताया था कि इसने गुस्ताखी किया है, जो इसका सरतन से जुदा करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलेगी तो वहां 72 हूर मिलेंगी, शराब की नदी मिलेगी, केसर वाली शराब मिलेगी, दूध की नदी मिलेगी, फूलों का गद्दा मिलेगा, पता नहीं क्या क्या और समझाते रहते। तो ये बात केवल पाकिस्तान के मदरसों में तो नहीं हो रही है, क्योंकि मदरसों का सिलेबस तो कॉमन होता है पूरी दुनिया में। इसका मतलब भारत के मदरसों में भी यही बात पढ़ाई जा रही होगी। सरकार को पता ही नहीं मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा, सरकार को पता ही नहीं मदरसे में किताब कौन सी चल रही। हम एक तरफ बात करते हैं, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, मुसलमानों का पिछड़ापन है, सच्चर कमेटी करे, मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, और पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, उसकी बात ही नहीं हो रही। दुर्भाग्यवश संसद में भी कोई चर्चा नहीं कर रहा कि भैया ये मदरसा जो चल रहे हैं ये केवल जिहाद ही नहीं फैला रहे हैं, ये तो मुसलमान को पिछड़ा भी बना रहे। तो अगर मुसलमान को आगे लाना है तो ये हुनर योजना, ये योजना, वो योजना, उस योजना से मुसलमानों का विकास थोड़ी होगा। पहले उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। मेन स्ट्रीम में लाने का मतलब उनको आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो मदरसों में कौन सी क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है जहां पर यही नहीं पता कि मौलवी कितना पढ़ा लिखा है, जहां यही नहीं पता वो किताब पढ़ा क्या रहे? भाई मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है उसको, उसके बेस पे तो कोई आदमी चपरासी भी नहीं बन सकता, क्लर्क भी नहीं बन सकता, हवलदार, पेशकार, थानेदार और तहसीलदार और कलेक्टर, ये तो बहुत बात की बात है। मदरसे में जो पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई के बेस पे आदमी कर क्या सकता है? कोई उसका संबंध ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश में, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो फलाने सरकार ने मदरसों की फंडिंग बंद कर दिया। अरे भैया मदरसों की फंडिंग बंद होने से मदरसा बंद हो जाएगा क्या? मदरसों की फंडिंग बंद होने से क्या मदरसा बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, उनको फंडिंग बाहर से आ रही है।
आप यहाँ फंडिंग बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? सरकार दे चाहे न दे, मदरसों फंडिंग तो विदेशों से हो रही, खाड़ी देशों से हो रही है, हर साल हो रही है, 50,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। कुछ लोग कह रहे जी वहां उन्होंने मदरसे में कह दिया कि वो टीचर जो है क्वालिफाइड होंगे। अरे जब मदरसे की किताब नहीं बदलेगी तो वो कम पढ़ा लिखा टीचर आए चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा टीचर आए, मूल बात यह है कि मदरसे को बंद करके समान शिक्षा लागू करना। इस देश में 18 साल तक सभी बच्चे एक किताब पढ़े, जब एक किताब पढ़ेंगे तो एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा उनका बिहेवियर होगा, उसमें उनमें जो मजहबी उन्माद आ रहा है वो उन्माद नहीं आएगा। उस पर चर्चा नहीं हो रही है, परमानेंट सोल्यूशन पे चर्चा नहीं हो रही है। हो क्या रहा है, वो फला जगह की जांच NIA करेगी, फला जगह की जांच जो है CBI करेगी, फला जगह की जांच ED करेगी, फला जगह फला सरकार ने मदरसों की फंडिंग बंद कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा भैया, इससे कुछ नहीं होगा। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां मदरसा हो वहां शांति हो, आप समझिए इस चीज को। मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाती है, क्या सरकार कुरान हदीस को बदल सकती है? क्या नहीं। मदरसों में जो तालीम दी जा रही है क्या सरकार उसको बदल सकती है? क्या नहीं। तो फिर जिस तरीके से हिंदू बच्चे घर में बैठे बैठे अपना रामायण पढ़ लेते हैं, बड़े होके पढ़ लेते हैं, वैसे मुस्लिम बच्चे भी अपना घर में बैठ के कुरान पढ़ लेंगे, हदीस पढ़ लेंगे, बहुत ज़रूरत होगी ट्यूशन लगा लेंगे, बहुत ज़रूरत होगी हफ्ते में एक दिन किसी मस्जिद में चले जाएंगे, वहाँ उनको मौलवी सिखा दिया करेंगे कुरान हदीस। और कुरान हदीस पढ़ने का टाइम तो पूरी ज़िंदगी है, वो बचपन में पढ़ना ज़रूरी है क्या? बचपन में ही पढ़ना ज़रूरी थोड़ी है। अरे एक बार वो 12वीं तक उसकी कॉमन एजुकेशन हो जाए, सबके साथ पढ़ ले, सबके साथ मिलजुल के रह ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो भी सीख ले, जूलॉजी बॉटनी वो भी सीख ले, उसके बाद अपना कुरान हदीस पढ़ता रहेगा। उसमें कौन सा आसमान फट जाएगा अगर वही बच्चा जो छठवीं में या 6 साल का या 10 साल का मदरसे में जा रहा है, वही अगर 18 साल के बाद अगर वो कुरान हदीस पढ़ेगा, बल्कि उस समय तो और अच्छा कुरान हदीस पढ़ेगा, उसका दिमाग पूरी तरीके से खुल चुका होगा। तो केवल वही नहीं पढ़ेगा जो किताब में लिखा है, केवल वही नहीं पढ़ेगा जो टीचर पढ़ाएंगे, वो टीचर से सवाल जवाब भी करेगा, मौलवी से सवाल जवाब भी करेगा, भाई ये ऐसे लिखा है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उसके उसका दिमाग डेवलप हो चुका होगा, दिमाग डेवलप हो चुका होगा तो उसको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, न विधानसभा में न लोकसभा में। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप समस्या की जड़ पे नहीं जाओगे, अस्थाई समाधान नहीं करोगे, केवल सतही समाधान करके, केवल खबर बनाने के लिए समाधान करके, केवल ऐसी कुछ चीजें करके कि भाई ठीक है लोगों का गुस्सा खत्म हो जाए, उससे समाधान नहीं होगा। मदरसों की सरकार फंडिंग रोक देगी, मदरसों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मदरसे सरकारी फंडिंग के भरोसे नहीं चल रहे। मदरसों में जो है आप केवल ये कह दो कि हम तो इसको टीचर वहां पे वेल क्वालिफाइड कर देंगे, तो हामिद अंसारी जैसा टीचर आप करोगे ना, बहुत यही करोगे आप क्या कहोगे भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो हामिद अंसारी भी पढ़े लिखे क्या करोगे आप? इसलिए मेरा ये मानना है इस देश में समान शिक्षा लागू हो, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू हो, 18 साल तक लागू हो, और इसको लागू करना बहुत आसान है। पता नहीं लोग क्यों समझ नहीं पा रहे, उनको लगता है मदरसा बंद करके यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है। इसका मतलब पार्लियामेंट में उस राइट टू एजुकेशन को बदला भी जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है, और केवल 2 अमेंडमेंट करना है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। क्या? पहला, उसके नाम में जो राइट टू एजुकेशन है उसमें इक्वल वर्ड जोड़ना है, उस कानून का नाम बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। और दूसरा क्या करना है, उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट जो अभी चल रहा है उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 साल है, उसको 6 से 18 करना है। अभी वो 1st से लेके 8वीं तक लागू होता है 6 से 14 साल तक, उसको अगर हम 18 कर दें तो यानी 1st से लेके 12वीं तक लागू हो जाएगा। ये जो CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड, जो दुनिया भर के बोर्ड चल रहे हैं, ये सारे मर्ज हो जाएंगे। इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो जाएगा। आप उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड कह सकते हैं, उसका नाम नया भारतीय शिक्षा बोर्ड कर रख लीजिए। 1 नेशन 1 सिलेबस हो जाएगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस होता है। केंद्रीय विद्यालय में वो लद्दाख में हो या लक्षद्वीप में हो, कश्मीर में हो या कामरूप में हो, सिलेबस तो एक होता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि आप सिलेबस में मत कुछ करिए, एक काम करिए सारा मर्ज करके 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करिए, और जो केंद्रीय विद्यालय की किताबें हैं, केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है, उसी को क्रॉस द बोर्ड लागू कर दीजिए।
कुछ लोग ये सोचेंगे अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, बंगाल में तो सब लोग नहीं पढ़ सकते। अरे भैया बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, सिलेबस वही रहेगा। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, सिलेबस वही रहेगा। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, सिलेबस वही रहेगा। तो पूरे देश में जो जो पूरे देश में एजुकेशन बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड यानी बिहार बोर्ड बंगाल बोर्ड, ये क्या होगा, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड सेंट्रल लेवल पे होगा उसी की ब्रांच हो जाएंगी, उसका रीजनल ऑफिस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यूपी का एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद में है, प्रयाग में, तो उसका ऑफिस बंद नहीं होगा, उसके एम्प्लाई कहीं नहीं जाएंगे। वो क्या होगा, जो दिल्ली में भारतीय शिक्षा बोर्ड होगा उसका रीजनल ऑफिस हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड, तो महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड बंद करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड की जो बिल्डिंग होगी वो जो दिल्ली में भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसका रीजनल ऑफिस हो जाएगा, उसके इम्प्लाई भारतीय शिक्षा बोर्ड के इम्प्लाई हो जाएंगे। इतने तंत्र होगा। इस देश में सबसे कठिन काम था वन नेशन वन टैक्स यानी GST, सबसे कठिन काम था। अगर वो हो सकता है तो वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड भी हो सकता है, वन नेशन वन सिलेबस भी हो सकता है, वन नेशन वन करिकुलम भी हो सकता है, समान शिक्षा लागू की जा सकती है। 40 तरीके के टैक्स को मिला के एक टैक्स लागू करना ज़्यादा कठिन था बजाय कि 40 तरीके के किताबों को मर्ज करके एक किताब लागू करना। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश में एक हो सकता है, केमिस्ट्री का पूरे देश में एक हो सकता है, जूलॉजी का एक हो सकता है, बॉटनी का एक हो सकता है, मैथ का एक हो सकता है, हिस्ट्री का एक हो सकता है, ज्योग्राफी का एक हो सकता है, हिंदी का एक हो सकता है, इंग्लिश का एक हो सकता है। अलग अलग पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। और केंद्रीय विद्यालय तो ऐसा कर ही रहा है ना, केंद्रीय विद्यालय हमारे सामने एक मॉडल है। केंद्रीय विद्यालय में किताब तो छोड़ी, उनका स्कूल ड्रेस भी कॉमन होता है। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा वो केरल में पढ़ रहा हो या कश्मीर में पढ़ रहा हो, उसका स्कूल ड्रेस भी एक होता है। तो हमारे सामने तो ऑलरेडी एक मॉडल है, हम क्यों नहीं उसी मॉडल को थ्रू आउट द कंट्री कर देते। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जिस तरीके आपकी GST काउंसिल होती है, GST काउंसिल कैसे है, सेंट्रल लेवल पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस GST काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, सारे स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर होते हैं। तो वैसे एक एजुकेशन काउंसिल बना दीजिए। एजुकेशन काउंसिल में जो सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो उसके मुखिया हो जाएंगे। राज्यों के जितने एजुकेशन मिनिस्टर वो उसके मेंबर हो जाएंगे। तो जैसे GST काउंसिल आज काम करता है वैसे एजुकेशन काउंसिल काम करेगी। जैसे GST काउंसिल सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं और केंद्र के वित्त मंत्री बैठते हैं, मिलकर तय करते हैं कि भाई किस सामान पे कितना टैक्स लगेगा, वैसे ही एजुकेशन काउंसिल बैठेगी, केंद्र के वित्त मंत्री और राज्यों के, केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर और राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर सब मिलकर बैठेंगे और वो डिसाइड कर लेंगे। एक्सपर्ट की टीम होगी, वो बताएगी भाई फिजिक्स में केरल में ये अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कश्मीर में ये पढ़ाया जा रहा है, बंगाल में ये पढ़ाया जा रहा है, ये तो सारे देश में जितने भी फिजिक्स की किताब है सबको एग्जामिन करके उसके बेस्ट 30 चैप्टर 40 चैप्टर या 50 चैप्टर जितना भी पढ़ाना है वो एक नई किताब बन जाएगी। मैथ में देख लेंगे पूरे देश में क्या CBSE में क्या पढ़ा रहा है, ICSE में क्या पढ़ा रहा है, बिहार क्या पढ़ा रहा है, बंगाल क्या पढ़ा रहा है, यूपी क्या पढ़ा रहा है, सारी किताबों को देखेंगे और उसमें से एक 50 चैप्टर छांट लेंगे किसी भी जिस क्लास में जितना भी चैप्टर देना है। कहने का मतलब ये है, तो ये बहुत आसान है। इससे वास्तव में जिहाद खत्म होगा, इससे वास्तव में मजहबी उन्माद खत्म होगा, इससे वास्तव में मुस्लिम्स का विकास होगा। जो हम मुस्लिम के डेवलपमेंट के लिए सच्चा कमेटी लागू कर रहे हैं, फला कमेटी लागू कर रहे हैं, और दुनिया भर के हमने एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना रखा है, अल्पसंख्यक आयोग बना रहा है, ये विशेष दर्जा, विशेष स्कूल, विशेष तालीम, ये जहर है। समता समानता समरसता ये तब आएगी जब समान शिक्षा होगी, जब हिंदू का बेटा और मुसलमान का बेटा एक साथ पढ़ेगा, जब क्लर्क का बेटा और कलेक्टर का बेटा एक किताब पढ़ेगा तब समता समानता आएगी, जब कृषि मंत्री का बेटा और किसान का बेटा एक किताब पढ़ेगा तब समता समानता आएगी, जब एक टीचर का बेटा और शिक्षा मंत्री का बच्चा बेटा एक किताब पढ़ेगा तब समता समानता आएगी, जब मेरा बेटा और मेरे सहायक का बेटा एक किताब पढ़ेगा तब समता समानता आएगी। ये समता समानता ये अलग अलग मंत्रालय बना के अलग अलग कमीशन बना के नहीं आएगा। जिहाद खत्म हो ही नहीं सकता जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी। जिहाद खत्म हो ही नहीं सकता जब तक इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं होगा, वन नेशन वन सिलेबस नहीं होगा। जब तक देश में मदरसा है तब तक जिहाद और मजहबी उन्माद बिल्कुल कम नहीं होगा, मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आपको अच्छा लगे
अपने सांसद और विधायक को टैग करके ट्वीट करिएगा और उसे कहिएगा समाज शिक्षा यदि अब नहीं लागू होगी तो आखिर कब लागू होगी।